नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 40X 5G versus iQOO Z9 X5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 40X में 6.65 इंच जबकि Z9 X5G में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Note 40X से कम है। विड्थ की बात करें तो Note 40X में 3.01 इंच जबकि Z9 X5G में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Note 40X में 0.33 इंच जबकि Z9 X5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 40X में 201 ग्राम्स जबकि Z9 X5G में 199 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 40X में इट्स LCD जबकि Z9 X5G में LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 40X में 6.78 इंचेस जबकि Z9 X5G में 6.72 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 40X में 1080x2460px FHD+ और Z9 X5G में 1080x2480px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 40X में 84.6% जबकि Z9 X5G में 86.58% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 40X में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Z9 X5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 40X में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Z9 X5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 40X में माली G57MC2 जबकि Z9 X5G में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 40X में MediaTek Dimensity 6300 और Z9 X5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 40X में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि Z9 X5G में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो नोट 40X में 256GB जबकि Z9 X5G में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी नोट 40X में 5000mAh जबकि Z9 X5G में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Note 40X में 3 कलर्स जबकि Z9 X5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 40X में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीज़
12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Z9X 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,290 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इन्फिनिक्स नोट 40X 5G में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें IQOO Z9X 5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 40X आगे है, मेन कैमरा में नोट 40X आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Z9X 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Oppo K12X 5G है, तीसरा Realme Narzo N65 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Note 40 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।